सो दिस इज़ अ न्यूज़ जो कि रिसेंटली चाइनीज डिफेंस फोरम में निकल के सामने आई है, और इस न्यूज़ के मुताबिक एक पिक्चर रिलीज़ की गई है कैक यानी शेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानब से, और इसमें क्लेम किया जा रहा है कि JF-17 थंडर को एक नए इंजन के साथ टेस्ट किया गया है। नाउ ऑब्वियसली जब JF-17 थंडर के पोटेंशियल इंजन की बात आती है तो क्लेमोव का RD-93MA इंजन और WS-13E इंजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जाता है। हम सब जानते हैं कि JF-17 थंडर में WS-13 इंजन को पहले टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि WS-13 की ई सीरीज का इंजन था कि नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स JF-17 थंडर नॉर्मली तो क्लेमोव RD-93 इंजन के साथ फ्लाई ही किया जाता है। तो अगर क्लेमोव RD-93MA इंजन को हम एक नया इंजन कह सकते हैं तो WS-13 की ई सीरीज को भी मे बी एक नया इंजन कहा जा सकता है। एनी वेज आई फील लाइक कि मोर लाइकली ये क्लेमोव RD-93MA इंजन हो सकता है। इस RD-93MA इंजन में जो है प्रपोज्ड 1 टन का इंक्रीज थ्रस्ट का इजाफा किया गया है, सो रिपोर्टेडली अब ये अराउंड 9.3 टन के अराउंड का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। एक और चीज़ जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये कि इस मौके पे JF-17 थंडर के Block 3 के प्रोग्राम पे काम जारी है, जिसके लिए ऑलमोस्ट सर्टेनली क्लेमोव RD-93MA का इस्तेमाल किया जाना है। और ये बात भी हम जानते हैं कि क्लेमोव RD-93MA इवन चंद महीने पहले भी अपने डेवलपमेंट साइकिल से गुजर रहा था, तो मुमकिन तौर पे इस इंजन के इंटीग्रेशन टेस्ट जो हैं उस मौके पे JF-17 थंडर Block 3 के साथ नहीं किए गए थे, तो मुमकिन तौर पे उन टेस्ट को अब मुकम्मल किया जा रहा है। वाइल WS-13E इंजन के केस में आई बिलीव उनकी जानब से ये काम कभी भी किया जा सकता है, और WS-13 इंजन पे पहले भी इंटीग्रेशन के हवाले से बाद में इसे पब्लिक किया गया था, और WS-13 इंजन के हवाले से ये भी मुमकिन है कि JF-17 थंडर या FC-1 शाओलोंग पे इस पे इंटीग्रेशन टेस्ट किए जा चुके हों, और जो गैप आ रहा है और बेसिकली अभी इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा वो इस वजह से कि WS-13 इंजन के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के हवाले से अभी थोड़ा सा काम मजीद बाकी होगा। विल हैव टू सी कि चाइनीज जो है फाइनली कब WS-13 इंजन पे कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि वो उसे एक एक्चुअल ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकें। सर्टेनली WS-10 सीरीज के इंजन में उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल हो चुका है, जिसके बायस इस इंजन को जो है अब J-10Cs और इवन J-20 फाइटर जेट में भी मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आई गेस जैसे ही WS-13E इंजन जो है चाइना के किसी ऑपरेशनल एसेट में इस्तेमाल किया जाना शुरू किया जाएगा तो उस पॉइंट से JF-17 थंडर में इस इंजन को ऑपरेशनलाइज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आई बिलीव कि वो ऑपरेशनल यूनिट जो है चाइना का J-35, J-31 स्टेल्थ जेट हो सकता है, और वो पॉइंट जो है JF-17 थंडर का Block 4 का फेस हो सकता है। आपको इस हवाले से क्या लगता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। रशिया की जानब से एक क्रूशियल मीटिंग अफगानिस्तान के हालात पे, अफगान पीस प्रोसेस पे 11 अगस्त को मॉस्को रशिया में मुनक्किद की जा रही है, और इस मीटिंग के लिए रशिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और पाकिस्तान की जानब से मीटिंग की जाएगी। नाउ ऑब्वियसली इसमें चंद बहुत अहम ममालिक को इन्वाइट नहीं किया गया है, जो इन ममालिक में ईरान मौजूद है, ताजिकिस्तान मौजूद है, उज्बेकिस्तान मौजूद है, तीनों अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स इंडिया को भी शामिल नहीं किया गया है। नाउ इस चीज़ की सिग्निफिकेंस इस हिसाब से नहीं है कि इंडिया की अफगानिस्तान में अहमियत है कि नहीं, ऑब्वियसली अगर हम इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें तो जो अफगानिस्तान के सबसे इमीडिएट नेबर हैं, जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक दोनों तरीकों से जो है वो अफगानिस्तान के साथ हैं, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बनती है, लेकिन शायद इस चीज़ की सिग्निफिकेंस इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है कि रशिया और इंडिया के ऑन पेपर दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप इंडिया की एक्टिविटीज़ देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन स्टेट जो है कितनी कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में इंडिया को एक स्टेक होल्डर के तौर पे देखा जाए, लेकिन इस तमाम चीज़ के बावजूद रशिया की जानब से इंडिया को अफगानिस्तान में इस कदर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, और बेसिकली ये सेकेंड टाइम है कि रशिया की तरफ से इंडिया को अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है या दूसरी टर्म्स में उनको डिच कराया गया है। सो ये एक ब्लो बैक है जो कि इंडिया को रशिया की जानब से फेस करना पड़ रहा है। एनीवेज हम इस ट्रॉयका मीटिंग भी आए जिसमें रशिया, पाकिस्तान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जानब से इस मीटिंग में स्पेशली जो है इस मीटिंग में पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से बात की जाएगी, उन हालात को देखते हुए जिसमें तालिबान अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में जो काबुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उस पर ऑफेंसिव लॉन्च किए हुए हैं, और तालिबान की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। इस हवाले से ट्रॉयका मीटिंग जो है मुनक्किद की जा रही है,
तालिबान ने लेटेस्ट न्यूज़ में जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है वो ये कि पिछले 24 से 48 घंटों में तालिबान ने ऑलमोस्ट 4 सूबों के कैपिटल जो हैं, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स पे कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में NDS का हेडक्वार्टर उन्होंने कैप्चर कर लिया है। US की जानब से B-52s के जरिए तालिबान की एक्टिविटीज़ रोकने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन इसमें बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। स्पेशली जब तालिबान जो है किसी भी शहर के अंदर घुस जाते हैं तो उसके नतीजे में जो है डायरेक्ट सिविलियन कैजुअल्टीज होती हैं, जो कि बहुत खतरे का बायस है इवन प्रो US नैरेटिव के लिए भी, क्योंकि इसके नतीजे में डायरेक्ट सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही हैं, जिसकी एग्जाम्पल जो है हमें एक दो इवेंट्स में देखने को भी मिली हैं। कंधार, हेरात, लश्करगढ़, ये तमाम शहर जो है तालिबान के निशाने पे हैं। सो वी विल हैव टू सी कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट जो है वो निकल के सामने आती हैं। यूरेशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से टर्किश ड्रोन इंडस्ट्री का शायद सबसे ज़्यादा फेमस बेरफ्तार TB2 ड्रोन खरीदा जा सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक टर्की की जानब से 10 ममालिक के साथ अपने सबसे ताकतवर TB2 बेरफ्तार ड्रोन को जो है खरीदने के हवाले से बातचीत जारी है। नाउ ये टर्की का सबसे ताकतवर ड्रोन है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन ये जो 10 ममालिक के साथ TB2 ड्रोन के हवाले से टर्की की बातचीत जारी है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि टर्की की जानब से इस ड्रोन को पाकिस्तान को दिए जाने या इन 10 ममालिक में पाकिस्तान के शामिल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। TB2 ड्रोन के बारे में बात करें तो ये एक मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लॉन्ग रेंज ड्रोन है जो कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनिसेंस ISR मिशन जो है उसको परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। और ऑफकोर्स इसकी पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफा तब हुआ था जब नागोर्नो कैराबैक में अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में इस ड्रोन ने आर्मेनिया की डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। उस इवेंट में इस TB2 बेरफ्तार ड्रोन ने जो है दुनिया में एक पोजीशन कायम कर ली थी, जिसकी वजह से जो है ये दुनिया के सबसे फेमस ड्रोन्स में इस वक्त शुमार किया जा रहा है। हेयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक के अंदर लाइकली शामिल हो सकता है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान बायलैटरली चंद बहुत बड़ी डिफेंस डील्स जारी हैं, जिनमें T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील, मिल्ग्रम क्लास कॉर्वेट की डील, जिसके हवाले से रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है उसमें ये कि पहली मिल्ग्रम कॉर्वेट जो है वो तैयार की जा चुकी है, इसके विजुअल्स भी रिलीज कर दिए गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 15 अगस्त को कॉर्वेट जो है लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन खैर ये एग्जांपल है कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान कुछ बहुत सीरियस डिफेंस कोलैबोरेशन जारी है। सो इस हवाले से TB2 बेरफ्तार अनमैंड एरियल व्हीकल के पाकिस्तान आने के चांसेस मौजूद हैं। इनमें पर्सनल ओपिनियन, अगर पाकिस्तान को ये ड्रोन खरीदना चाहिए कि नहीं, तो एक जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि क्या ये टर्की का सबसे ताकतवर ड्रोन है, तो मेरे ज़ाती ओपिनियन में ऐसा नहीं है और टर्की के पास इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। ये टर्की का सबसे फेमस ड्रोन ज़रूर कहा जा सकता है क्योंकि नागोर्नो कैराबैक में इसने जो चीज़ें करके दिखाई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्मेनिया के सिस्टम्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि आर्मेनिया की डिफेंस लेयर जो है दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड शील्ड्स में से नहीं आती है। ये कहना ऑलमोस्ट सर्टेन होगा कि टर्की का TB2 ड्रोन जो है अगर किसी सुपर पावर या रीजनल पावर के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता तो TB2 ड्रोन को वो सक्सेस ना मिलती जो कि इसको आर्मेनिया के खिलाफ मिली है। अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जिस ब्रांच की जानिब से ये ड्रोन खरीदे जाने का प्लान है वो किसी स्पेसिफिक मकसद के तहत इसे अडॉप्ट कर रही है तो ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आई फील कि टर्की के पास इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। TB3 की तैयारियां जारी हैं। अकिनसी ड्रोन जो है वो कि एक बहुत क्लेवर ड्रोन शुमार किया जाता है। स्टेल्थ UAVs के भी प्लान्स मौजूद हैं, तो इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस जो हैं टर्की के पास मौजूद हैं और उन्हें भी हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए।